हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, गूगल शीट सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं। छोटा सा फॉर्मूला है, थोड़ा सा ध्यान देंगे समझ में आ जाएगा। आइए देखते हैं फॉर्मूला क्या है। फॉर्मूला है आज का मोड। मैं मोड की बात नहीं कर रहा, मैं मोड की बात कर रहा हूं। तो आइए इस मोड को जानते हैं। इज इक्वल टू MODE, यानी आपको लगाना है मोड, ठीक है। और मोड लगाने के बाद ब्रैकेट को ओपन कीजिए और अब यहां पर इसको ले लेता हूं पूरा सिलेक्शन में, लाइक दिस। ओके, तो ये सिलेक्शन में लिया हमने, इसका सेलेक्टर्स आ गया, इसको क्लोज किया और अब एंटर प्रेस करता हूं। ऊपर रिजल्ट आपको दिखाई पड़ रहा है, यहां पे 8 आ रहा है। अब यहां पे 8 आने के पीछे रीजन क्या है, क्यों यहां पे 8 आ रहा है? 8 आने के पीछे रीजन ये है कि 8 यहां दो बार रिपीट हुआ है, ठीक है, और कोई नंबर यहां पे रिपीट अभी नहीं हुआ है। चलिए यहां पर बात कर लेते हैं, यहां पे एक फॉर्मूला लगाते हैं, यूज करते हैं एक फॉर्मूला। तो इज इक्वल टू मोड लगा दिया हमने और अब यहां से इसको सिलेक्शन में ले लेते हैं, ठीक है। अब यहां पर आप देख लीजिए कि कौन सा नंबर जो है रिपीट हुआ है, नंबर रिपीट हुआ है ये ध्यान दीजिएगा। तो यहां पे 9 रिपीट हुआ है, यानी आंसर अकॉर्डिंग 9 आना चाहिए, ऊपर 9 दिख भी रहा है तो 9 तो आ ही चुका है, ठीक है। अब मैं ये चाहता हूं कि क्या हो अगर एक नंबर 3 बार रिपीट हो जाए, लाइक यहां पे 9 दो बार रिपीट तो हुआ है, लेकिन एक बार और इसको यहां पे रिपीट करा देते हैं। तो ये देखिए एक बार और 9 को मैंने करा दिया है रिपीट। अब देखते हैं क्या होता है। तो यहां पे लिखा मैंने मोड इज इक्वल टू के साथ और अब इस पूरे डेटा को ले लीजिए सिलेक्शन में, ले लिया। यहां पर अभी भी रिजल्ट हमें 9 ही दिखाई पड़ रहा है। चलिए एक और चेंजिंग कर देते हैं, यहां पर एक बार और 9 लिख देते हैं, लिख दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ओके, तो यहां पर एक बार और 9 लिख दिया है। अब फिर से फॉर्मूला लगा लेते हैं। तो इज इक्वल टू MODE, मोड लिख दिया हमने और अब ये पूरा डेटा यहां तक सिलेक्शन में लिया। तो अभी भी आंसर हमारा 9 ही आ रहा है, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो जो जितनी ज्यादा बार रिपीट होगा, वो कहने का मतलब जो नंबर जितनी ज्यादा बार रिपीट होगा वही आंसर में यहां पर आ जाएगा। लाइक यहां पर अगर मैं 88 कर देता हूं, देखिए यहां पर 88 किया, ठीक है, तो यहां पे अभी दो बार 88 आया है, लेकिन सबसे ज्यादा बार तो 9 ही आया हुआ है। तो यहां पे लिख देता हूं मोड, ठीक है। अब ये मोड लिख देने के बाद इस पूरे डेटा को सिलेक्शन में लीजिए आप, तो फिर भी देखिए 9 ही आंसर आएगा। हाँ, ये हो सकता है कि आप कई बार रिपीट कर दें इस चीज को, यानी कि 88 को, तो यहां पर आपका आंसर आ जाए। तो यहां पे 88 लगाया हमने, फिर यहां पर भी 88 कर देता हूं और 88 करने के बाद यहां पर भी 88 कर देता हूं, ठीक है। तो ये कई बार 88 कर दिया है। अब यहां पर अगर हम फॉर्मूला लगाते हैं MODE मोड, ठीक है, तो अब देखते हैं क्या होता है। तो ये पूरा डेटा ले लीजिए सिलेक्शन में। अब देखिए 88 जो है 4 बार हो चुका है, तो यहां पे आंसर क्या आएगा हमारा, 88 आएगा, क्लियर है। क्या ये टेक्स्ट पे भी अप्लाई हो सकता है, क्या कैरेक्टर्स पे अप्लाई हो सकता है क्या, आइए देखते हैं। पहले कैरेक्टर्स चेक करते हैं। तो इज इक्वल टू लगाता हूं MODE मोड, ठीक है। अब यहां पर देख सकते हैं यहां पर कोई कैरेक्टर रिपीट नहीं हुआ है, फिर भी चलिए इसको सेलेक्ट करते हैं, देखते क्या होता है। अब यहां पे इसको क्लोज किया और एंटर प्रेस किया, एनए एरर आ गया, ठीक है। लेकिन अब हम रिपीट करवाने वाले हैं, जैसे कि इसमें कोई वर्ड रिपीट तो हुआ नहीं है, तो यहां पर अब मैं एक रिपीट करवाने वाला हूं, लाइक एस को रिपीट कर दिया मैंने, कर दिया। अब यहां पर फॉर्मूले को वापिस से लगा लेते हैं। तो इज इक्वल टू MODE मोड लगा लिया हमने और मोड लगाने के बाद यहां से सिलेक्शन में लीजिए इसको पूरा डेटा और आप क्लोज कीजिए, एंटर प्रेस कीजिए, तो अभी भी आपको एन ही मिलेगा, यानी कहने का मतलब यह है कि ये अप्लाई होगा नंबर पे। ओके, तो उम्मीद करता हूं कि बात आपके समझ में आई होगी। ऐसे ही और भी बहुत सारे फॉर्मूलाज लेके आने वाला हूं, तो कीप वॉचिंग माई वीडियोज। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।